दोस्तों आज का वीडियो ऐसा होगा कि वो वीडियो सुन के आपको डर लगेगा और वो डर लगने की वजह से आप एक्शन लोगे और वो एक्शन की वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मिठाई की दुकान थी और एक मिठाई की दुकान, ये जो मिठाई की दुकान थी वो बहुत फेमस थी और उसका एक प्रोडक्ट था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, वो जो है काजू बर्फ़ी। वो काजू बर्फ़ी के फैंस हर जगह थे, मतलब पूरे बॉम्बे से लोग उस काजू बर्फ़ी खाने के लिए अपनी गाड़ियों में आते थे और इतने इतने दीवाने थे कि उस काजू बर्फ़ी खाने के लिए उस दुकान के बाहर लाइनें लगती थी और लाइनें लोगों की नहीं, लाइनें गाड़ियों की लगती थी। लोग गाड़ियों में वो दुकान में काजू बर्फ़ी खाने आते थे। धीरे धीरे वो काजू बर्फ़ी इतनी फेमस होने लगी कि जो NRI है, मतलब जो बाहर से इंडिया आते हैं हॉलीडे करने या अपनी फैमिली को मिलने को, वो लोग भी वो काजू बर्फ़ी खा के वो काजू बर्फ़ी वो लोग विदेश लेके जाते थे। मतलब धीरे धीरे ये काजू बर्फ़ी US में, UK में, यूरोप में फेमस होने लगी। मिठाई की दुकान का नाम चिमनलाल मिठाई वाला था और चिमनलाल मिठाई वाले की ये काजू बर्फ़ी अभी वर्ल्ड फेमस होने लगी थी। बहुत सारे कस्टमर मिस्टर चिमनलाल को बोलते थे कि आपकी काजू बर्फ़ी इतनी फेमस है, आप होम डिलीवरी चालू करो, यहाँ पे रोज़ रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप होम डिलीवरी से हमको भेजो या स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करो और वहाँ से हम लोग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ यहाँ पे आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रोज़ गाड़ी निकालो, गाड़ी में आओ, काजू बर्फ़ी खाओ, वापस जाओ, बहुत टाइम जाता है। तो चिमनलाल को लगा कि स्विगी जोमेटो वाले कमीशन लेंगे, होम डिलीवरी वाले में खर्चा होगा, तो मैं चालू नहीं करता हूँ और ऐसे ही मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिमनलाल की काजू बर्फ़ी इतनी फेमस हो गई कि बहुत सारे रिटेल दुकानें वो काजू बर्फ़ी मांगने लगे और मिस्टर चिमनलाल को बोलने लगे कि सर आपके बॉक्स और आपके ब्रांडिंग के साथ हमें वो काजू बर्फ़ी दो, हमारे यहाँ पे आपके बहुत फ़ैन हैं, वो लोग आपकी काजू बर्फ़ी खरीदना चाहते हैं। कि जो काजू बर्फ़ी की दुकान थी वो थी ग्रांट रोड में और बोरीवली से भी लोग, मतलब 20-25 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से लोग आते थे इनकी काजू बर्फ़ी खाने। तो रिटेलर ने उनको बोला कि कस्टमर को इतना ट्रैवल क्यों कराना है, आप हमको आपकी काजू बर्फ़ी दे दो, आपके ब्रांड में और आपके ही बॉक्स में हम आपकी काजू बर्फ़ी बेचेंगे। चिमनलाल ने बोला नहीं, मैं काजू बर्फ़ी किसी को दूंगा नहीं, अगर किसी को लेना है तो मेरे दुकान में ही आके आपको वो काजू बर्फ़ी खानी पड़ेगी। बाजू में एक दुकान खुली, वो भी एक मिठाई की दुकान थी और उस दुकान का नाम था मोहनलाल मिठाई वाला। दोस्तों मोहनलाल मिठाई वाला की काजू बर्फी कोई खरीदता नहीं है क्योंकि चिमनलाल का बहुत सालों से नाम होता है। भले ही टेस्ट में मोहनलाल मिठाई वाला और चिमनलाल की काजू बर्फी एक जैसी ही टेस्ट करती है, कभी कभी तो मोहनलाल मिठाई वाला की काजू बर्फी थोड़ी बेटर टेस्ट करती है, पर तो भी मोहनलाल मिठाई वाला का इतना सेल नहीं होता है। मोहनलाल मिठाई वाला स्विगी पे भी लिस्टेड है, जोमैटो पे भी लिस्टेड है, रिटेलर्स को भी अपना प्रोडक्ट दे रहा है, पर तो भी इतना सेल नहीं है क्योंकि चिमनलाल फेमस है। अचानक से एक दिन मेट्रो का अनाउंसमेंट होता है और अगले ही दिन से चिमनलाल के बाहर पूरा सड़क को खोद दिया जाता है, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं और जहाँ पे इतना ट्रैफिक होता था वो रोड के ऊपर अभी एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक दूसरे जगह से डाइवर्टेड है। अगले दिन अचानक से चिमनलाल की बिक्री शून्य, मतलब जीरो हो जाती है और उसका धंधा अचानक से ठप हो जाता है क्योंकि चिमनलाल की बर्फ़ी कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होती है, उसको और कोई भी चैनल नहीं है जहाँ से वो सेल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रिटेलर को भी ना बोला, जोमैटो स्विगी को भी ना बोला, होम डिलीवरी करने से भी मना कर दिया। दोस्तों मोहनलाल मिठाई वाला जो कि बाजू की दुकान है उसकी सेल रातों रात डबल हो जाती है क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि इन दोनों का टेस्ट सेम है, पर क्योंकि चिमनलाल का बहुत अच्छा नाम था लोग चिमनलाल से ही पहले खरीदते थे। चिमनलाल कोशिश करता है कि मैं स्विगी जोमैटो पे भी लिस्ट कर दूं, रिटेलर को अपना माल दे दूं, पर क्योंकि इन्होंने इनसे पहले बुरा बर्ताव किया होता है ये लोग इनको लिस्ट करने से मना कर देते हैं। इसी दौरान मोहनलाल मिठाई वाला इनका पूरा मार्केट खा जाता है और जितने भी चिमनलाल के कस्टमर है अभी मोहनलाल मिठाई वाला के कस्टमर हो जाते हैं और वो मोहनलाल मिठाई वाला से बर्फी खरीद के खाते हैं। तो ये मेट्रो का काम 4 साल तक चलता है और इस 4 साल के दौरान मोहनलाल मिठाई वाला बाजू के 3 दुकानें खरीद लेता है और चिमनलाल का धंधा बंद हो जाता है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। दोस्तों ये बॉलीवुड की कहानी नहीं है, इसमें चिमनलाल को कोई हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली है। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, अमेजोन ऑफलाइन चैनल, ऑनलाइन चैनल, ये सब एक सेल्स चैनल है। ये चैनल बस एक माध्यम है अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए और इनका कोई भी महत्व नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको एक सेल्स चैनल पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा मल्टीपल सेल्स चैनल ओपन करने चाहिए और आपको देखना चाहिए कि मैं अपने कस्टमर को और कैसे पहुंच सकता हूँ।
चिमनलाल का एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी अकड़ साइड में रखते हैं, पर अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग होता कि मेरी मिठाइयाँ तो बिक रही है, तो भले ही वो स्विगी से बिके, जोमेटो से बिके, अमेजोन से बिके, रिटेलर के थ्रू बिके, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये लोग मांग रहे तो खाली कमीशन मांगेंगे और मेरी मिठाई हर जगह मिलेगी। चिमनलाल ने क्या किया, इसको लगा कि इसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और लोग गाड़ियों में मेरे पास आ रहे हैं, तो इसने सोचा कि मेरे को और कोई चैनल की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर तो हमेशा मेरे पास आने वाला है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी एक माध्यम पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मेरे माध्यम कितने बढ़ सके। तो चलो अगर मैं अमेजोन पे हूँ तो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम सब पे लिस्टेड हूँ, तो ऑफलाइन मेरा प्रोडक्ट बेचने की ट्राई करूँ। अगर सब कुछ कर रहा हूँ मैं तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की ट्राई करूँ। अगर बॉम्बे मैंने कैप्चर कर लिया तो दिल्ली जाऊँ, मेरे दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊँ, हैदराबाद जाऊँ। आपको हमेशा अपने सेल्स चैनल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये गलती मत करना कि कोई भी सेल्स चैनल कभी बंद नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ये गलती करके बहुत पछता चुके हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट था जो ऑनलाइन बहुत अच्छा सेल्स कर रहा था और askmebazaar.com करके एक प्लेटफॉर्म था, वो बहुत उस टाइम पे फेमस हो रहा था और मेरा क्लाइंट के सेल्स askmebazaar पे बहुत अच्छे चल रहे थे। तो हमने हमारे क्लाइंट को बोला कि आप askmebazaar पे ही क्यों निर्भर हो, अमेजोन पे लिस्ट करो, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करो, ऑफलाइन बेचने का ट्राई करो। पर नहीं, उसकी तो अकड़ थी, उसको लग रहा था कि askmebazaar पे मेरा माल बिक रहा है तो मैं ये प्लेटफॉर्म्स पे क्यों लिस्ट करूं। दोस्तों askmebazaar रातों रात बंद हो गया और मेरे क्लाइंट का बिजनेस भी रातों रात बंद हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि askmebazaar बंद होने के पहले करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट्स कर चुका था और रणबीर कपूर तक को अपना ब्रांड एम्बेसडर ले चुका था। पर चूंकि मेरा क्लाइंट askmebazaar पे पूरी तरह निर्भर था, उसके बंद होने की वजह से मेरा क्लाइंट का बिजनेस भी धीरे धीरे बंद हो गया। एक और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, टिकटॉक आपको मालूम है कि रिसेंटली बैन हो गया था और टिकटॉक पे जितने भी लोग वीडियोस बना रहे थे, अचानक से अभी उनके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था। पर कोई लोग ऐसे थे जो इंस्टाग्राम पे भी अपने वीडियोस बना रहे थे, जो यूट्यूब पे भी बना रहे थे, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। पर मेजॉरिटी के लोग जो टिकटॉक पे थे, आज उनके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए। और दोस्तों क्या किसी ने सोचा था अपने सपनों में भी कि टिकटॉक अचानक से बैन हो जाएगा? ये लोग इतना मेहनत कर रहे थे टिकटॉक पे, इतना कंटेंट बना रहे, पर आज की तारीख में सब के सब बेरोजगार बैठे हैं। तो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपके बिजनेस के लिए आपको कौन सा चैनल ओपन करना चाहिए। आपके बिजनेस को मेरे से बेटर समझते हैं और आपको मालूम है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बिकेगा। वो चैनल के बारे में सोचो और वो चैनल को ओपन अप करने का ट्राई करो और वो चैनल एस्टैब्लिश करने का ट्राई करो। कभी भी एक चैनल पे डिपेंडेंट मत रहना, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो। एक चैनल पे डिपेंडेंट होना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। आपको पता नहीं रातों रातों चैनल बंद हो सकता है और आपका बिजनेस भी उसके साथ रातों रात बंद हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा डर लगा होगा और आपको लगा होगा कि नहीं, ये जो बंदा बोल रहा है वो एकदम सही है, हमें एक चैनल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और आज आप एक्शन लोगे और मल्टीपल सेल्स चैनल बनाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार एक ही सेल्स चैनल पे डिपेंडेंट है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उसका 100% फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इसको एक लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।